इन्होंने पूछा है कि ओसी जो है वो कितने टाइम में आना चाहिए, और अगर कोई बिल्डर एक बिल्डिंग का ओसी नहीं ला रहा है पर दूसरा प्रोजेक्ट उसने शुरू किया है और वहाँ पे वो सीसी लाके काम आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसा कोई प्रोविजन है कि उसको इधर ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं? ऐसा है कि हमारे पास एक रिसेंटली केस आया था, गोरेगांव का केस था, जहाँ पे डेवलपर ओसी नहीं लेके आया था, तो जो ओसी नहीं लेके आया तो बिल्डिंग वालों ने कंप्लेन किया तो उसके दूसरे बिल्डिंग की सीसी रुक गई। तो ऐसा रूल्स है, यू कैन कंप्लेन, और अगर उसने पैसे नहीं भरे, ओसी के लिए पैसे तो भरना पड़ता है ना, आइदर देर इज सम कंप्लीशन या ड्रेनेज कंप्लीशन सर्टिफिकेट है या कुछ चीज उसको सबमिट करना है या कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट नहीं करते उसको पैसा भरना पड़ता है, तो हाथ ऊपर कर देता है, बोलते मैं ओसी नहीं लेके आएगा। तो ऐसे टाइम पे दूसरा प्रोजेक्ट का कंप्लेन आप डालोगे उसको, यहाँ के भी यहाँ का उसे कंप्लेन नहीं किया है, तो बीएमसी विल टेक एक्शन ऑन दैट। सर बट यू आर राइट सर, बट बॉम्बे में अप्रोक्सीमेटली 60-70% आर अंडर नॉट रिसीव्ड ओसी, सो व्हाट्स द रीजन फॉर दिस टू सॉल्व? नहीं, पैसे पहले क्या होता था कि देखो ओसी है ना, ओसी लाना का मतलब है खर्चा, तो बिल्डर लोग क्या करते थे कि भाई कौन 50-1 करोड़ खर्चा करेगा, ऐसी घुसा दो सबको। और एक ध्यान में रखें, एक ये पॉइंट आपको बताता हूँ मैं, आप सब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी नया बिल्डिंग के अंदर आप फिट आउट पोजीशन मत लीजिए, डोंट टेक फिट आउट पोजीशन, डायरेक्टली टेक पोजीशन आफ्टर ओसी इज रिसीव्ड। उसका रीजन बताता हूँ मैं, ये जो चीटर होते हैं ना, चीटर डेवलपर, चीटिंग जो करते हैं, इन लोग क्या करते मालूम है, फिट आउट के नाम पे सबको घुसा देते बिल्डिंग में, और फिर क्या बोलते मालूम है, ओसी नहीं मिल रही बिकॉज आप लोग अंदर रह रहे हो, अपने वॉल का डायमेंशन चेंज दे, किचन चेंज कर दिया, बाथरूम चेंज कर दिया, वॉल शिफ्ट कर दिया, और ये बहाने के अराउंड से बोलते मैं अभी ओसी नहीं लेके आ सकता है। दिस इज अ चीटिंग स्ट्रैटेजी, जैसे विनिंग स्ट्रैटेजी है ऐसे चीटिंग का भी स्ट्रैटेजी है, तो ये चीट करने का एक माध्यम है। लोगों बोला ले लो पोजेशन, ले लो, ये लो चाबी, ले लो, ले लो का मतलब है कि भाड़ा तेरा मैं बंद कर दिया, और आप अंदर घुस गए, आप अंदर घुसने के बाद वो क्या करेंगे, बोलते अरे आपने वॉल चेंज कर दिया, यहाँ के बदले आपने ऐसा वॉल कर दिया, अभी बिल्डिंग की ओसी नहीं आने वाली, उसके पैसे बच गए, बिकॉज ब्लेम हैज नाउ शिफ्टेड फ्रॉम हिम टू यू। सो नेवर टेक पोजेशन ऑफ द फ्लैट फॉर फिट आउट, डायरेक्ट टेक पोजेशन ओनली आफ्टर ओसी इज रिसीव्ड, ये ध्यान में रखें। ओके, स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा। ऐसा रूल है कि कन्वेंस होने के बाद देर इज अ प्रोसीजर कॉल एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन का मतलब है वैल्यूएशन, यानी वैल्यूएशन आएगा प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होने के बाद उसका एक फिगर आएगा, और अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी में वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। सपोज मेरा फ्लैट है और मैंने वहाँ पे मेरा स्टैम्प ड्यूटी मैंने भर दिया है तो मेरे पे लागू नहीं होएगा, पर जिन लोगों ने नहीं भरा है उस पर एप्लीकेबल आ जाएगा। सो द आंसर इज येस, पर वो इट इज थ्रू अ साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन कॉल एडजुडिकेशन, जो सब रजिस्टर ऑफिस में होता है। बहुत से लोगों ने क्या हुआ है कि पहले के अमित भाई, बहुत लोगों ने स्टैम्प ड्यूटी भरा है, बोल रहे स्टैम्प ड्यूटी भरा, स्टैम्प ड्यूटी भरा, लेकिन क्या होता है मालूम है, स्टैम्प ड्यूटी पहले क्या होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना उससे कम वैल्यू में एग्रीमेंट होता था, और उसके बाद उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भर दिया, समझो एक लाख का एग्रीमेंट बना है, लेकिन वैल्यू है उसी 1,50,000, तो एक्चुअली 1,00,000 का स्टैम्प ड्यूटी भरा है, लेकिन 50,000 स्टैम्प ड्यूटी का बाकी है, जब तक वो 50,000 स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरेगा तब तक वो कन्वेंस आगे नहीं होगा। ये खास आप लोग ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्टैम्प ड्यूटी एट जो मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर भरी जाएगी, जो एग्रीमेंट वैल्यू जो दोनों में ज़्यादा है उसके, समझो आज आपका वैल्यू है मार्केट वैल्यू 1.5 लाख है और आपने एग्रीमेंट बनाया 2 लाख का, तो 2 लाख के स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी, पर मार्केट वैल्यू मेन है, उसके नीचे आप नहीं जा सकते हैं, अगर है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी आपको भरनी पड़ेगी। कंसेंट का है ना, देखो आपको बताओ, देर आर टू टाइप्स ऑफ कंसेंट गोइंग ऑन और दोनों रिक्वायर्ड है। एक कंसेंट वो है कि मैं रिडेवलपमेंट में जाना चाहता हूँ, ये कंसेंट नंबर वन। कंसेंट नंबर टू ये है, मैं रिडेवलपमेंट में जाना चाहता हूँ और मेरा बिल्डर ये रहने वाला है, बिकॉज उसका फॉर्मेट अलग रहने वाला है, ये दोनों अलग अलग इसलिए है, एक जनरल कंसेंट है और दूसरा कमर्शियल टर्म्स के साथ है। तो आप जब कंसेंट दे रहे हो लैंडलॉर्ड को, आप बेसिक कमर्शियल टर्म्स लिख लीजिए उसके अंदर, बेसिक, वेरी बेसिक, नहीं तो एमओयू हो जाएगा। कंसेंट का मतलब है कि भाई ये है, ये मिलने वाला, ये मिलने वाला, 2 पेज का ही होता है, ज़्यादा कुछ लंबा होता नहीं है। तो ये कंसेंट का जो फॉर्मेट है वो दोनों चलते हैं और दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग द कंसेंट फॉर्मेट, यू शुड बी वेरी वेरी शार्प इन अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी वर्डिंग, हर एक वर्डिंग को ध्यान में रखते हुए कंसेंट देना है। इट्स अ कमर्शियल, यस, सो इट इज वैलिड, एब्सोल्युटली। डेलीपेटेड होने के बाद बिल्डर यानी डेवलपर रेंट नहीं दे रहे हैं और रेंट रुका के रखते हैं करके,
टेम्पररी एकोमोडेशन नहीं देता है, तो व्हाट इज योर एडवाइस? देखिए अभी तो लेटली तो ऐसा बहुत कम हो गया रेरा आने के बाद, कंप्लेंट इमीजिएटली जाता है रेरा में, लेकिन ऐसा होता है तो एक बार आप लीगल नोटिस भेजोगे तो आई एम श्योर कि पीपल विल कम बैक ऑन द ट्रैक, क्योंकि उसके बाद फाइनेंशियल सिचुएशन इज नॉट दैट बैड इन रियल एस्टेट। फाइनेंशियल सिचुएशन जो है आप देखोगे पिछले दो साल में तीन साल में थोड़ा डाउनवर्ड्स है, ट्रेंड डाउनवर्ड है, इन्वेंटरी भी बढ़ रही है, यानी नंबर ऑफ फ्लैट्स बढ़ रहे हैं मार्केट में बेचने के लिए, लेकिन बिक नहीं रहे, और जो बिक रहे वो रेट में नहीं बिक रहे, ये दोनों इशू साथ में है। तो वो ध्यान में रखते हुए हमने जो डेवलपर है या लैंडलॉर्ड है उससे टर्म नक्की करके, टर्म नक्की करने के बाद जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है ये बेसिक डॉक्यूमेंट इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने आपकी जो टेनेंसी राइट्स है, अभी समझो रेंट नहीं ले रहा है एग्जाम्पल, जैसे बताया रेंट नहीं ले रहा है एग्जाम्पल, मैं समझो टेनेंट है और मेरा रेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रेंट यानी जूना रेंट पगड़ी का रेंट, तो हम लोग कोर्ट में डिपॉजिट कर देते, स्मॉल कॉजेस कोर्ट यहाँ का लिए बैंड्रा, वहाँ पर डिपॉजिट कर दो कि भाई आप नहीं ले रहे तो मैं कोर्ट में डिपॉजिट कर देता हूँ, दैट इज द रूल। इसका कंसेंट एग्रीमेंट में जो लिखा है वो रेंट वो अभी दे नहीं रहा है, नहीं पर अभी तो फिर नोटिस देना पड़ेगा। ओके okay. अगर मैं और आप कुछ चीज़ एग्री कर रहे हैं और एक जन उसको वायोलेट कर रहे तो क्या करें, नोटिस दे दो फिर उसको। सब टेनेंट रेरा में जा सकते हैं क्या? नो, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ दैट। ओके फाइन, वो जगह बाय करेगा तो यस। सर खाली दो क्वेश्चन है मेरा, जैसे पगड़ी बिल्डिंग डिलिप्लेटेड बीएमसी को राइट है डिमोलिश कर देने का, तो अगर लैंडलॉर्ड रिडेवलपमेंट नहीं करता है तो चार पाँच साल हो गया, दस साल हो गया, किसका बोलते 25 साल हो गया नहीं हुआ रोड पे, ये सब लोग तो बीएमसी की कोई उसकी जवाबदारी रहती है कि खाली तोड़ने का और रोड पे लाने का जवाबदारी है? नहीं देखो, आपका बहुत एक वैलिड क्वेश्चन है, ऐसा है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जहाँ पे लैंडलॉर्ड को बोला कि तेरे को आज बिल्डिंग अगर गिरी तो कल काम चालू ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ये फैक्ट है। लेकिन क्या होता है कि बाय कंसेंसस दोनों पार्टी बैठ के एक रीजनेबल अमाउंट या रीजनेबल एरिया तय करके अपन आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो क्या होता है कि दोनों जगह पे दोनों टाइट रहेंगे तो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपका क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का मैं समझ सकता हूँ कि बिल्डर या लैंडलॉर्ड बोलते हैं कि पहले सबको रोड पर आने दो, चलो रोड पे आ जाएंगे तो फिर लाइन पे आएंगे, फिर मैं 5-10 लाख में मैं कम कर दूंगा, तो ऐसा है कि उसको भी अपने पैसे की और लैंड की पड़ी हुई है, उसको भी उसकी वैल्यू है, तो बीएमसी जब खाली कराती है तो सबका एरिया लिख देती है बीएमसी, और उसको 100% कंसेंट लगेगा, आप ध्यान में रखिए, उसको रिडेवलपमेंट करना है पागड़ी वाले बिल्डिंग का तो 100% कंसेंट लगने वाला है, विदाउट दैट से काम आगे नहीं बढ़ने वाला है, तो ये ध्यान में रखिए। अगर सब लोग साइन करेंगे और 10 जन साइन नहीं कर रहे तो भी अटक सकता है प्रोजेक्ट। बराबर। अभी दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन, नहीं माने आपको 300 मिल रही है मिनिमम, 300 मिनिमम मिल रही है क्योंकि प्लान पास नहीं हो रहे है, तो आपकी तो जगह 150 लिख के दे दी है बीएमसी ने, तो बोलेगी आपको 150 ही मिलेगी, यू हैव टू गिव मी द कंसर्न फॉर दैट, 150 मिलेगी करके? नहीं 150 लिखेगी पर आपका एलिजिबिलिटी 300 एज पर द मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो उतने ही मिलने वाले आपको। हाँ लेकिन वो बोलेगे फिर पैसे दे दो उसके ऊपर के जो है। नहीं देखो ये अगेन इस पे लॉ नहीं है, हाँ कि मैंने 150 फ्री देना पड़ेगा, हाँ तो वो फिर आपको म्यूचुअली बैठ के एग्री करना पड़ेगा, चलो भाई इतने का मैं दे देगा इतना फ्री दे दो, ऐसा फिर नेगोशिएट करना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी है, एक टेनेंटेड बिल्डिंग है और बीच में आरजी का प्लॉट है, तो आरजी तो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो गई उसकी, अभी वो बिल्डिंग रीडेवलप कर रहा है, हम लोग भी रीडेवलप करना चाहते हैं, अभी आरजी है उससे वो छेड़छाड़ करना चाहता है। नहीं देखिए ऐसा है कि आरजी है ना उसका डिवीजन, यानी FSI का डिवीजन, हाँ ये नोशनल यानी फिजिकली तो होता नहीं है, हाँ नहीं पेपर पे होता है सर, नहीं वो पेपर पे दोनों प्लॉट पे डिवीजन उसका होने वाला है एज पर द लॉ। समझो मैं सोसाइटी 2000 स्क्वायर मीटर पे है और दूसरी उसकी वाली प्रॉपर्टी 1000 स्क्वायर मीटर पे है और बीच में आरजी है, तो आरजी का 2000 स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो FSI मिलेगा वो मुझे मिलेगा पेपर पे और 1000 वाले को उसके हिसाब से मिलेगा। पर आरजी तो सर वैसा ही रहेगा, वो वैसे ही रहेगा। अच्छा लेआउट में हिला सकते हैं उसको, समझो अभी सेंटर में तो उसको आप कॉर्नर में ले सकते हो, पीछे ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं न्यू प्रॉपर्टी में न्यू प्लॉट में। नहीं पर आरजी तो से इंटेक्ट रहेगा ना, उसका तो डिवीजन नहीं हो सकता है, डिवीजन नहीं कर सकते। नहीं, वो बरोबर है। आरजी देखो ऐसा है कि आरजी का मतलब है रिक्रेशनल ग्राउंड विच कैन बी रीलोकेटेड एनीवेयर इन द प्लॉट, बट हमारे कंसेंट बिना कैसे कर सकेगा वो?
सोसाइटी का भी तो प्लान के साथ ही करेंगे ना, आपको आपको कंसेंट में लेके करेगा, डायरेक्टली तो कर नहीं सकते नहीं, वो हमको पूछे बिना करना चाहता है, नहीं नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा दूसरी बात सर, वो स्टे लेके आ जाओ, स्टे मिल जाएगा आपको। अच्छा सर दूसरी बात, अभी वो बिल्डिंग का प्लान डाला है उसने, तो बिल्डिंग का प्लान डाला है उसने, उसको आरजी से कितनी जगह छोड़ना चाहिए? बिल्डिंग बना रहा है उसने, एक प्लान डाला, और आरजी से भी कुछ जगह तो छोड़ना होगा ना उसको। हाँ, पर उसका तो प्लान आएगा ना, वो तो बीएमसी के प्लान आएगा, वो प्लान के हिसाब से करना पड़ेगा। वो 6 मीटर दूर है, 10 मीटर दूर है, वो तो प्लान नहीं दिखाएगा ना, बीएमसी के प्लान बताएगा। हाँ, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बीएमसी का प्लान अप्रूव होके ही आएगा। उसमें क्या हो रहा है कि बाजू में चर्च की वॉल है, उसने वॉल वाइंडिंग नहीं की है, बिकॉज ऑफ दैट वो मेरा रोड का जो विद है, फिजिकल विद, वो 12 फीट है, जबकि वो 30 फीट होना चाहिए। वो अगर वॉल वाइंडिंग करता है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि वो वॉल वाइंडिंग करे, क्योंकि हम सब बिल्डिंग्स ने वॉल वाइंडिंग ऑलरेडी गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी है, म्यूनसिपालिटी को लेटर लिख के, लेकिन वो नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से आप कंप्लेंट डाली ना। लैंड ओनर कौन है? हाँ, लैंड ओनर कौन है? लैंड वो चर्च का है, लूथरन्स चर्च है। नहीं तो आपको कंप्लेंट डालना पड़ेगा इस पे, क्योंकि आपको बीएमसी में कंप्लेंट डालना पड़ेगा। पहले तो आप आरटीए के तहत आप पहले उसका डॉक्यूमेंट निकालिए कि कौन सा प्लान के हिसाब से चल रहा है। ओके, और आपको पता चलेगा कौन से प्लान के, फिर उसके हिसाब से बीएमसी में कंप्लेंट डाल दीजिए। क्योंकि वहाँ पे बीच में करीबन 10 साल पहले म्यूनसिपालिटी वाले आके मार्किंग करके गए थे कि ये इतना कट होने वाला है, ये जो वॉल है ना ये कट होने वाली है, लेकिन बाद में कुछ एक्शन आगे बढ़ा नहीं है। राइट राइट, जो रोड है वो आगे से 12 फीट है और पीछे से 30 फीट हो जाता है बड़ा, लेकिन आगे का जो 15 फीट है ना वो 12 फीट है, उसकी वजह से रीडेवलपमेंट के लिए बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है। कि कोई भी बोला कि भाई आगे से फिजिकल आपका पेपर पे है लेकिन फिजिकल नहीं है वहाँ पे, तो आपको वो पहले कराना, क्लियर कराना पड़ेगा रोड वाइंडिंग का, बीएमसी में कंप्लेंट करना पड़ेगा। और बीएमसी में कौन से डिपार्टमेंट में आपके हिसाब से जाके मुझे बिल्डिंग प्रपोजल यहाँ के लिए कांदिवली ईस्ट में, सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स ईस्ट में, बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके प्लॉट नंबर लेके ये पूछना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हम लोग का बिल्डिंग ये था पगड़ी का, तो वो अभी बीएमसी ने C1 नोटिस दिया, डिमोलिश कर दिया, 2-2.5 साल हो गया, और हम लोग लैंडलॉर्ड से बात करते हैं लेकिन वो अभी टालता रहता है कि भाई ये हफ्ते के बाद आओ। दो तो ऐसा है कि C1 कैटेगरी में आपकी बिल्डिंग थी, आपको वेकेट करवाया गया है, आप लोग बाहर रह रहे हो अभी, करेक्ट करेक्ट, और बिल्डर या लैंडलॉर्ड जो है वो डेवलपमेंट के घाई नहीं कर रहे, आराम से कर रहे हो, करेक्ट, तो आपको फिर आपको आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अच्छा। कंपेयर करना पड़ेगा उसको। लेकिन उसके लिए कुछ टाइम ये रहेगा क्या कि भाई 2 साल तक आप नहीं, विदिन 1-1.5 फिर आपका ये आउटकम आ जाता है। नहीं लेकिन ऑलरेडी 2-2.5 साल तो हो गए हैं। मैं कोर्ट में जाने के बाद बोल रहा हूँ, कोर्ट में जाने के बाद। अच्छा यस, अच्छा, और कुछ एग्रीमेंट इज आस्किंग के उसको कंपलसरी कितना टाइम में जाना चाहिए, ऐसा कोई रूल है क्या? नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है, पर कोर्ट ने डिसीजन ली थी कि भाई उसको पता चल जाएगा कि भाई लोगों को बेघर कर दिया है और ये टाइम पास कर रहा है, तो कोर्ट अपने हिसाब से ऑर्डर देगी। अच्छा अच्छा, आप लोगों को जल्दी से जल्दी कोर्ट में जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर, आई एम किशोर मेहता फ्रॉम सायन ईस्ट। In a cooperative society where more FSI is consumed at the time of construction of the building, say about 60 years back, and now since fungible FSI cannot be sold by the builders, so is the project feasible? If the members are ready with less return also, but is the project feasible? Yeah. Yes. Yeah. Yeah. And so one more question. Since the structural audit is compulsory for the old 30 years or more old buildings, in our society there is a structural audit done, but the recommendations given by the structural auditor is never implemented. Building is in a little bit good condition, not in a good condition, practically little bit danger condition, but nothing means, since the society doesn't have fund to go for repairs and moving very slowly for the redevelopment. So what can be done for the structural auditor's report not implemented? नहीं ऐसा है कि structural audit जो है every 30 years के बाद अपन audit करते हैं, फिर every 5 साल के बाद भी वो आ सकता है audit के लिए, तो ये होते हैं private, ये private लोग होते हैं private। okay. आप समझिए structural audit ने 3 टाइप के court में चलते हैं, court में एक IIT, एक VGTA कॉलेज और एक सरदार पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज, ये 3 का जो ऑडिट रिपोर्ट है ये जज मानता है, बाकी सब जो बीएमसी अप्रूव्ड स्ट्रक्चर ऑडिटर है इसको भी मानते हैं, नहीं मानते ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि उसका जो परसेप्शन है कि दीज ऑडिट रिपोर्ट्स आर मैनेज प्राइवेटली, आप समझ रहे, इट इज मैनेज प्राइवेटली,
वो जिसका जो जैसा हम बोलते हैं ऐसा कभी कभी लिख के दे देता है कि हाँ ठीक है अभी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं गिरता है, इसके बदले ऐसा लिख के दे दो, तो दैट पॉसिबिलिटी इज देयर. बट वॉट यू शुड डू इफ यू वॉन्ट टू गेट ऑथेंटिक रिपोर्ट, यू ट्राई टू गेट आइदर फ्रॉम IIT, VJTI और SP सरदार पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तीन में से आप ले सकते हैं. थैंक यू सर. हेलो सर, मेरा नाम है तुषार देसाई, आई स्टेट बोरीवली वेस्ट. हमारा वो लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी है लेकिन ही इज रिलेक्टेंट टू नाइदर फॉर आउटराइट और रीडेवलपमेंट. टेनेंट्स आर रेडी फॉर रीडेवलपमेंट या तो आउटराइट, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है सर, तो क्या कर सकते हैं? क्यों? बिकॉज बिल्डिंग इज अबाउट 65 ईयर्स का बिल्डिंग है सर. अब ये रिनोवेशन हम लोग करवा रहे हैं खुद के पैसे से, लेकिन कब तक करवाएंगे? सी कंपेलिंग द लैंडलॉर्ड इज वेरी डिफिकल्ट. फिर क्या आपको कंप्लेंट डालना पड़ेगा, अथॉरिटीज के पास जाना पड़ेगा, और एक बार सीवन काटेंगे तो आपको विकेट भी करना पड़ेगा. यू मे नॉट बी एबल टू कंपेल हिम टू डू अ प्रोजेक्ट, बट आप उतना तो उसको हैरेस कर सकते हैं कि तू प्रोजेक्ट चालू कर और उसके टर्म्स कंडीशन नक्की कर सकते हैं. वो स्टेज पे आप लेके आ सकते हैं उसको, उनको लेटर वगैरह लिख सकते हैं क्या? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी फाउंड द AOP, राइट? तो AOP के थ्रू हम लोग लेटर उनको डाल सकते हैं क्या? वी कैन ट्राई. देखो आपका थोड़ा यूनिक केस है, अगर मेरे को पेपर बताओगे तो मैं आपको उस पर बता सकता हूँ क्या सोल्यूशन है. चलेगा सर. तो कैसे आपको मिलना पड़ेगा सर? मैं आपको नंबर देता है, बाद में मिलना. ठीक है, थैंक यू. भाई मेरे दो क्वेश्चन हैं आपके लिए सर. एक तो डिम कन्वेंस जो इतना इम्पोर्टेंट है, बराबर है. अभी डिम कन्वेंस जब DC पास करता है तो पास करते वक्त वो सारे पहलू को जांच करता है, पर होता क्या है कि DC आ जाने के बाद लैंडलॉर्ड क्या करता है, तब तक कुछ बोलता नहीं है, ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता है. और क्या करता है कि DC के बाद वो हाईकोर्ट में जा करके हाईकोर्ट में वो उसको अपील करता है. तो उस सिनारियो में क्या पोजीशन हो जाती है सोसाइटी की, और वो केस का क्या पोजीशन है? 99.9% सोसाइटी केस जीतती है, बिकॉज हाईकोर्ट का एक ऐसा अंदाज़ा है सब मैटर्स में ऐसे वाले, कि एक तो कभी लैंड ओनर ने या जो पहले का लैंड लॉर्ड था या जो भी था डीम कर सोसाइटी जो लैंड पे थी उसने इतने साल कन्वेंस दिया ही नहीं, और अब जब कन्वेंस का ऑर्डर आया तो अपील में चला गया. ही हैज़ टू हैव एक्स्ट्रॉर्डिनरी केस टू रिमांड बैक द मैटर बैक टू DDR, वरना वो केस 100% हारने ही वाला है. बट सर ये चांस आता ही क्यों है? क्योंकि अगर DDR ने अगर वो पास किया है DC ने नहीं. बट देखिए दिस इज एज पर द लॉ. देखो एज पर नेचुरल जस्टिस अ पर्सन कैन ऑलवेज गो टू अपील फॉर टू हायर अथॉरिटी. But then why can't he put up the question or raise the objection at the time when DC is giving the ruling? नहीं वैसा नहीं हो सकता ना, because judgment आने के बाद जो wordings लिखा गया है वो wordings में से कुछ चीज को challenge कर रहा है. Okay. He challenges some of the provisions and some of the items written in the judgment itself. So that cannot happen before. No, it can happen only after the judgment comes. Okay. Then in connection with this, there is one more question. Most of the land area. सॉरी मैं हिंदी में बोलूँगा, ज़्यादा करके जो लैंड एरिया है वो ट्रस्ट के हाथ में, ठीक है. तो हाउ डज चैरिटी कमिश्नर का क्या पार्ट होता है? क्योंकि DC जब वो ऑर्डर पास करता है तो उसमें वो चैरिटी कमिश्नर को मार्क करके वो लेटर लिखता है, लेकिन डेवलपर्स क्या बोलते हैं कि अगर हम आपका लैंड डेवलप करने जा रहे हैं और DC ने ऑब्जेक्शन रेज किया, DC ने प्रॉब्लम किया, तो हम तो सब अटक जाएंगे, आपका पैसा आ रहे हैं, आप घर के बाहर हो जाओगे, एंड वो बहुत सारे रीजन आ जाते हैं. तो उस सिनारियो में DC चैरिटी कमिश्नर का क्या रोल होता है? चैरिटी कमिश्नर इज नो रोल इन डीम कन्वेंस, नंबर वन. नंबर टू, जब ट्रस्ट का जगह है, हम लोग ने दो तीन अभी रिसेंट जजमेंट्स लिए जहाँ पे ट्रस्ट के पास से हमने, जैसे FE दिनशॉ ट्रस्ट है, इट्स अ वाडिया ट्रस्ट, वहाँ से हमने कन्वेंस ले लिया है. देर इज नो ऑब्स्टिकल, नथिंग. इट इज़ फॉर द ट्रस्ट एंड द ट्रस्टी टू डिसाइड एंड इन्फॉर्म द चैरिटी कमिश्नर कि भाई ऐसा ऐसा ऑर्डर हो गया है तुम्हारी जानकारी के लिए. बाकी आप चैरिटी कमिश्नर का डीम से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है. कहने देखा, इट इज द राइट ऑफ द सोसाइटी टू गेट डीम कन्वेंस. अच्छा, यस, ओके. नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन सर. ये जो रोड विड्थ का इश्यू है, रोड विड्थ के इश्यू में ये आ रहा है कि लेआउट में जो ओरिजिनल पास हुआ है उसमें एक X नंबर का पास हुआ है, ठीक है. पर उसके बाद में जब बिल्डिंगें बनी है और उसके वजह से रोड का विड्थ कम हो गया, तो विड्थ कम हो जाने की वजह से बेनिफिट पास ऑन नहीं होता है और डेवलपर उसका बेनिफिट लेते हैं, तो उस सिनारियो में क्या कर सकते हैं? नहीं देखिए, ऐसा है कि अभी जो नया DCPR 2034 आया इन 2019-20,
ओके, उसके अंदर ना सब रोड्स के विड्थ चेंज हो गए, 6 मीटर इज बिकम 9 मीटर, 9 मीटर बिकम 12 मीटर, 12 मीटर इज बिकम 18 मीटर. अगर वहाँ पे जगह ही नहीं है तो एक स्पेशल प्रोविजन किया गया है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर तो डीपी रोड भी आता है, स्मॉल स्मॉल रोड्स भी आता है, तो यू कैन नॉट चैलेंज द प्लानिंग ऑफ द अथॉरिटी. ओके ओके, बट व्हाट यू कैन डू इज, यू नो, यू कैन टॉक टू द डेवलपर एंड चेंज द पोजिशनिंग इन सच वे दैट इट बेनिफिट्स यू इन टर्म्स ऑफ यू मे, आपको थोड़ा कम बेनिफिट लेना पड़ेगा अगर आपको ये चाहिए तो. और वो बीएमसी के रूल के हिसाब से होगा, कोई भी ऐसा कुछ भी प्लान बना नहीं सकते. बीएमसी ने तो लॉ के हिसाब से अपना प्लान पास करना ही पड़ेगा, पार्किंग का हो, कितना पार्किंग होना चाहिए, परसेंटेज वाइज कितना होना चाहिए, ये हिसाब से. तो आपको रोड का विथ को लेकर आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, आप खाली प्लानिंग आपका चेंज कर सकते हो टू एनेबल यू टू गेट अ बेटर एम्यूनिटी इसके अंदर. ठीक है, मेरा सवाल है, डीम कन्वेंस के टाइम पे अगर बिल्डिंग को ओसी नहीं है तो भी डीम कन्वेंस मिल जाता है? आंसर इज यस, यस, प्रोविजन आ गया हो. डीम कन्वेंस आने के बाद में जब फ्यूचर में रीडेवलपमेंट को जाते हैं तो ओसी रिलेटेड कोई पेनल्टी भरना करना, कोई उसका कोई कॉम्पेंसेशन आता है? नहीं होता. है खाली आपको पेनल्टी आ सकता है स्टैम्प ड्यूटी के लिए, पर वो इंडिविजुअल है, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं है. समझो मेरा एग्रीमेंट है, मैंने रजिस्टर ही नहीं किया है, डीम कन्वेंस के बाद 100% ऑफ द सोसाइटी मेंबर्स हैव टू गिव देयर एग्रीमेंट कॉपीज. उसमें जो रजिस्टर हो गया है उसको कोई स्टैम्प ड्यूटी भरना नहीं है, और जो उसका खुद का फ्लैट का रजिस्टर नहीं किया है, जो उसे स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा है या शॉर्ट पेमेंट किया है, नॉन पेमेंट किया है, उसको पेनल्टी आ सकती है. लेकिन वो पेनल्टी भी जब आएगी तो आपको उसमें भी डिस्काउंट मिलेगा, बिकॉज योर नंबर ऑफ ईयर्स, जितनी जूनी बिल्डिंग है वो हिसाब से आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है. लेकिन सर डीम कन्वेंस तो जब, जैसे आपने बताया स्टेज वाइज, कि पहले जजमेंट आएगा, जजमेंट के बाद में एजुडिकेशन होगा, एजुडिकेशन के बाद में हमारा पीआर कार्ड पे नाम चढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली एजुडिकेशन में तो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह मैटर सब क्लियर ही हो जाएगा हमारा मैटर. और मुझे ये पूछना था कि अगर पीआर कार्ड के ऊपर नाम, अगर एक ही कॉम्प्लेक्स में चार सोसाइटी अलग अलग नाम से रजिस्टर्ड है तो पीआर कार्ड पे चारों सोसाइटी का नाम आएगा? यस, आंसर इज यस. यस, रजिस्टर बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट करने के लिए कोई क्राइटेरिया कि बिल्डिंग कितनी जूनी होनी चाहिए, क्या हम लोग कभी भी कर सकते हैं उसको? 20 साल हुआ तो भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है? सर्टिफिकेट लाओ, बिल्डिंग अच्छी है, सब मेंबर्स रेडी हो गए, यू कैन डू डेवलपमेंट एनी टाइम, एनी टाइम. और अभी एक हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि जब 2003 में हमारी बिल्डिंग बनी थी, 2007 में ओसी आने के बाद में हमको हैंडओवर किया था, हमारा प्रॉपर्टी टैक्स बिल्डर का अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है 15 लाख रुपया, और अभी तक वो, और हमारा रेगुलर आगे का पेमेंट सब क्लियर चल रहा है, तो कैसे हम लोग उसको कॉम्पेंसेट कर सकते हैं बिल्डर से? अभी तक उसने पुराना पेंडिंग केस पेंडिंग पड़ा है बीएमसी से, प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसने जो हैंडओवर किया, तो उसके पहले ऐसा है कि हैंडओवर होने तक सभी टैक्स की लायबिलिटी बिल्डर की है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपने जब आपका बिल्डिंग उसको हैंडओवर को किया है उसके पहले क्या है तो आपकी लायबिलिटी हो, लेकिन एक बार उसने प्रोजेक्ट टेक ओवर किया ऑल लायबिलिटीज आर ऑफ द डेवलपर, तो वो कैसे रिकवर कर सकते हैं? मतलब कि वो तो अभी डिनाई कर रहा है, भर नहीं रहा है, तो बीएमसी में कम्युनिकेशन करके लेटर देके या और कोई प्रोजेक्ट में उसको अटका सकते हैं कि भाई पहले पुरानी लायबिलिटी? यस, आंसर इज यस, केस डाल के अटका सकते हो. ओके, थैंक यू सर. सर मेरी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट का प्रोसेस अभी चालू है, उसमें डीसी को बिल्डर ने चैलेंज किया, मतलब रीट उसने डाला है, तो कैन इट स्टॉप माय रीडेवलपमेंट प्रोसेस? नहीं, किसको डाला है? बिल्डर ने है ना सोसाइटी के डीम कन्वेंस को चैलेंज करने के लिए एक रीट डाला है हाईकोर्ट में. अच्छा, ओके. तो मेरे रीडेवलपमेंट, ही कैन चैलेंज इट, बट ऐसा नॉर्मली बहुत होता नहीं है कि उसको स्टे मिलेगा. हाँ, लेकिन ही हैज टू हैव सम एक्स्ट्रॉर्डिनरी केस. यस, दैट यू टोल्ड मी अर्लियर. लेकिन ये केस, इसमें मेरा रीडेवलपमेंट के प्रोसेस को वो अटका सकता है? नहीं, अगर स्टे है तो ही स्टे नहीं आया, स्टे होना जरूरी है. खाली रीट उसने डाल के रखा है अभी तक, रीट डाल के नहीं, नहीं, यू कैन गो अहेड, आई कैन गो अहेड. और लास्ट क्वेश्चन सर, मेरा डीपी प्लान में एज पर बीएमसी डीपी प्लान मेरा रोड का अभी तक एक्स है और एक्चुअल मेजरमेंट में वाई है, तो मुझे बिल्डर के साथ में रीडेवलपमेंट में नेगोशिएशन के टाइम पे कौन सा प्लान मुझे बेस पकड़ के चलना चाहिए? नहीं, जो ओल्ड बिल्डिंग प्लान जो है पहले वाला, वही आपका पहला बेस रहने वाला है. ओके, फर्स्ट बेस, वो एक ही आइटम ऐसा जो गवर्नमेंट के अवेलेबल और सर्टिफाइड कॉपी आपको उसकी मिल सकती है. ओके, सो वही आपका पहला बेस होगा. मतलब एक्चुअल मेजरमेंट अभी मायने नहीं रखेगा. एक्चुअल मेजरमेंट में क्या कर सकते हैं? देखो, अगर वो कम है तो हमने नहीं कंसिडर कर रहे हैं, वो ज्यादा है तो बोलेगा यही लेने का तेरे को. राइट, बेनिफिशियल टू अस. थैंक यू. मेरे को ये पूछने का, अगर कोई टेंडर सोसाइटी लोग पास करते हैं और बाद में बिल्डर लोग टेंडर भरते हैं, तो टेंडर की टर्म कंडीशंस बिल्डर को मानना जरूरी है कि नहीं है? फर्स्ट क्वेश्चन. आंसर इज यस, टेंडर को मानना जरूरी है. लेकिन टेंडर पास होने के बाद जब आप डीए करते हो, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, उसके बीच में आपके नेगोशिएशंस होते हैं बिल्डर के साथ, उसमें टेंडर के कुछ टर्म्स चेंज भी हो सकते हैं,
तो वॉट एवर हैज बीन फाइनलाइज सब्सिक्वेंट टू द टेंडर विल सुपरसीड द टेंडर टर्म्स. ओके, सेकंड थिंग है 79 का प्रोसीजर हम लोग का हो गया है. हम लोग ने बिल्डर सिलेक्ट कर लिया है. बिल्डर सिलेक्ट करने के बाद डीए के अंदर कुछ मेंबरों ने साइन भी कर लिया और वो सबमिट भी उन्होंने सबमिट किया नहीं है बिल्डर ने. बट क्वेश्चन अभी ये रेज हुआ है कि वहाँ पे स्क्वायर फीट के अंदर मेंबर लोग जहाँ रहते हैं वो स्क्वायर फीट में डिफरेंस आ रहे हैं और उसको कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं कमेटी को, मैनेजिंग कमेटी या रिडेवलपमेंट कमेटी, कोई आंसर करता है नहीं ना बिल्डर करते है, तो क्या करना चाहिए? नहीं, कौन आंसर नहीं करता है? रिडेवलपमेंट कमेटी एंड मैनेजिंग कमेटी दोनों. नहीं तो आप लेटर लिखे ना, नहीं तो फिर आप दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द लेटर ऑल्सो. डेप्यूटी रजिस्टर को, डेप्यूटी रजिस्टर को नहीं समझा मैं. डेप्यूटी रजिस्टर जो है आपका वार्ड का, समझो ये एरिया में शायद आर वार्ड होता रहेगा, वो संस्कृति कॉम्प्लेक्स में बैठता है. ओके, आप उसको लेटर लिखिए, आपको आंसर देना पड़ेगा. ओके सर, थैंक यू. ही से डेप्यूटी रजिस्टर, वी ऑलरेडी रिटर्न लेटर टू द डेप्यूटी रजिस्टर इन द सेम सोसाइटी, बट समवेयर डेप्यूटी रजिस्टर इज गिवन अ जजमेंट ऑल्सो एंड ही से इट इज नॉट इन माय पावर, यू गो टू द समवेयर एल्स कोर्ट. तो व्हाट टू डू? इज नॉट इन द पावर. नहीं नहीं, आप क्या कह रहे, देखो उसके पावर में है कि नहीं उसको लिख के देने दो ना. आप आपका कंप्लेंट डाल दो, लेट हिम गिव इन राइटिंग, मेरा पावर नहीं है करके. और दिया उसने रिप्लाई. हाँ, तो देन यू टू गो फॉर अपील. देन अपील डीजेआर, डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रेशन मल्होत्रा हाउस, वीटी. ओके, मल्होत्रा हाउस अपीलिंग अथॉरिटी उसका. ओके फाइन. एंड वन मोर लास्ट क्वेश्चन, नॉट मोर. सब टेनेंसी प्रॉपर्टी के बारे में मैं क्वेश्चन पूछा था. समबडी इज इन द ग्राउंड फ्लोर ऑन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, बिल्डर इज रेडी टू गिव एज पर द बीएमसी प्लान के हिसाब से भी उसका स्क्वायर फुट नहीं बैठता है. वो बोलता है मैं ऊपर बैठता है ग्राउंड फ्लोर में, पर बोलता है मैं बेसमेंट यू वांट टू यूज, तो हम कॉमर्शियल के लिए बेसमेंट देगा. बट ओरिजिनली दैट मेंबर वाज ऑन ग्राउंड फ्लोर फ्रॉम लास्ट 25 इयर्स, देन व्हाट टू डू? नहीं, आप उसका प्लान देखिए ना, कमर्शियल यूज के लिए उसका प्लान है कि अप्रूव चेंज ऑफ यूज. या चेंज ऑफ यूज ऑलरेडी सर्टिफाइड बाय द वर्ल्ड. वही सब, वही सबसे आपको देखना पड़ेगा एज पर चेंज ऑफ यूज, फाइनल सब सर्टिफाइड बाय वर्ल्ड आल्सो. इट्स अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, सर्टिफाइड बाय द वर्ल्ड, इट इज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी. तो इट हैज टू गो बाय दैट ओनली देन. ऑन द ग्राउंड फ्लोर इट हैज टू गो बाय दैट ओनली देन, दैट ओनली. बट ग्राउंड फ्लोर दैट ही सेज नॉट गिविंग ग्राउंड फ्लोर, आई एम गिविंग. नहीं, आप राइटिंग, आप राइटिंग में लिखिए, उसे राइटिंग में ले लीजिए. इनका क्वेश्चन है कि बिल्डिंग रिडेवलपमेंट में जब जाता है तो 79A प्रोसीजर में एक प्रोविजन है ऑफ कॉल बैंक गारंटी. ये 79A प्रोसीजर था वो मोफा के टाइम पे आया था, मोफा. अभी रेरा में क्या हो गया कि 70% ऑफ द अमाउंट इज पुट इन द एस्क्रो अकाउंट टू यूटिलाइज फॉर द सेम प्रोजेक्ट. तो बिल्डर्स आर नॉट गिविंग बैंक गारंटी. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो उसका प्रीमियम भरते हैं या TDR लोड करना है वो हम लोग सोसाइटी के नाम पर एडवांस में भरवा लेते हैं. ये पहला ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन वो लीन ऑफ फ्लैट्स देता है. तो लीन ऑफ फ्लैट्स तो वो आएगा जो हवाई में है, जो है नहीं, तो हम लोग नहीं लेते. हम लोग क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में से जो उसका कोई रेडीमेड फ्लैट है वो सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफर कर दो. ओके. एंड साथ में समझो लीन अगर दे रहा है वही बिल्डिंग में जो बनने वाला है ऊपर, तो हम लोग साथ में इक्विवेलेंट अमाउंट का पोस्ट डेटेड चेक भी ले लेते हैं और उसको सीधा डिपॉजिट कर सकते हैं और द सेम अमाउंट बैंक में डिपॉजिट से प्रोविजन करके लेटर भी ले लेते हैं हम लोग. ये सोसाइटी की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो डेवलपर है उसने डबल सेलिंग की है, ट्रिपल सेलिंग की है. मोफा में जो फ्लैट उसने बेचे थे उसमें सारे डबल और ट्रिपल सेलिंग के मामले सामने आए हैं और इसने पहले अलॉटमेंट लेटर जारी किए थे जिसका उसने रजिस्टर्ड अग्रीमेंट नहीं किया था और उसके बाद उसने वो डबल सेलिंग करके उसको अलग अलग बैंकों में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इसने मॉर्गेज किया. अब फ्लैट में सोसाइटी से करीबन 28 से 30 लोग ऑलरेडी हाईकोर्ट में है. उनकी प्रॉब्लम और उनके सवाल इस तरह, इसमें मालिकाना हक किसका होता है? अलॉटमेंट लेटर इश्यू हो गया उसके बाद अग्रीमेंट हुआ है तो ओनर कौन कहलाया जाएगा, अलॉटमेंट लेटर वाला मालिक या रजिस्टर्ड अग्रीमेंट है वो मालिक है, या फिर उसने मॉर्गेज किया है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिसका रीपेमेंट वो नहीं कर पाया है. सोसाइटी की ओर से कुछ लोगों ने महारेरा में कंप्लेन की थी, कस्टमर की फेवर में डिसीजन आया, फिर भी डेवलपर ने वो बात मानी नहीं, तो वो केस हाईकोर्ट में काथावाला सर के पास गया. हाईकोर्ट में वापस से एक रिट पिटीशन डाली है और अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो बार बार अटैचमेंट के लिए बोल रहे हैं. तो सोसाइटी में नोटिस आती है घर के मालिकों को, पूरा पैसा देने के बावजूद वो सुकून से रह नहीं पा रहे. डेवलपर हाल जेल में है, क्रिमिनल कंप्लेंट्स है, करीबन 30 से 40 कंप्लेन और केसेस है.
अब मालिक कौन ये आप हमें बताएं, और इनकी ये समस्या है कि इन लोगों ने बैंक से भी कुछ लोन लिए हैं पर्सनल। देखिए ऐसा है कि अलॉटमेंट लेटर इज ओनली इनिशियल डॉक्यूमेंट, जब आप एडवांस देते हो तो आपको अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इज द ओनली डॉक्यूमेंट द कोर्ट विल रिकॉग्नाइज। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी 3 दिन पहले एक हियरिंग था हमारे हाईकोर्ट में। अगर कोई मेरे साथ फेसबुक में जुड़े हुए हैं तो सोशल मीडिया में आपने देखा रहेगा कि हम लोगों ने कुछ उसके अपने कुछ पहलू डाले हुए वो केस के बारे में। वो केस में ऐसा था कि जिसने अलॉटमेंट लेटर जिसको दिया गया था उसने 80% पेमेंट दे दिया है, 80%, और उसके बाद एक जन ने 100% पेमेंट भी दिया है, डबल सेल हो गया यानी, तो उस पर चीटिंग का केस हो गया, FIR हो गया, उसको अरेस्ट किया गया है। अगर ऐसा सिचुएशन है द आंसर इज गो टू पुलिस एंड इमीडिएटली लॉज द FIR। दिस क्लियर कट चीटिंग केस। दिस हैज बीन ऑलरेडी डन, ही इज इन द आर्थर रोड जेल, ऑल 3 पार्टनर्स आर इन द आर्थर रोड जेल। वेरी गुड, वेरी गुड न्यूज़, वेरी गुड। हाई कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा था, वहां से अभी डिसमिस हो गया और अभी DRT कोर्ट में कंप्लेन करने के लिए कहा गया है। माय क्वेश्चन इज फ्रॉम द सोसाइटी इटसेल्फ इज कि अब जो DRT कोर्ट में कितनी हद तक फेवर में कस्टमर की केस जाएगा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की या डेवलपर की, किसकी ये जिम्मेदारी होगी? देखिए DRT कोर्ट्स ना, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, ये जो कोर्ट बनाया गया है ये ज्यादातर बैंक के लिए बनाया गया, बैंकों के लिए, हमारे लिए नहीं, बैंक के लिए। बिकॉज बैंक का पैसा कैसे सिक्योर करोगे? बैंक के लिए पास भी स्ट्रांग लॉ पॉइंट होना चाहिए ना। तो DRT कोर्ट्स बनाए बैंक को सिक्योर करने के लिए। अगर कोर्ट को चॉइस मिलता है टू सिक्योर यू एंड द बैंक, इट विल सिक्योर द बैंक फर्स्ट। रिमेंबर दिस, DRT कोर्ट बनाया गया है बैंक को सिक्योर करने के लिए, नहीं तो बैंक के पास कुछ हाथ पांव है नहीं कि वो बैंक जाके आदमी को पकड़ के लेके आकर जेल में डाल देगा। बैंक हैज टू यूज द कोर्ट ओनली, एंड दैट इज वाई द DRT कोर्ट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू एसर्टन एंड एसर्ट द राइट्स ऑफ द बैंक्स। इन दैट केस सर, सरफरासी एक्ट ये कस्टमर्स पे लागू होगा या नहीं? और अगर DRT कोर्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की फेवर करेगी तो कस्टमर के पास और क्या चांस है, कहाँ जाना चाहिए वापस? नहीं देखो, इसका अपील में आप जा सकते हो, इसके अपील में। अभी बिल्डर जेल में है, बरोबर है, और आपका फ्लॉट उसे मॉर्गेज किया गया, यू हैव टू नेगोशिएट विद द बैंक नाउ, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। सर मारो एक सवाल जे के PAA क्या सुधी रजिस्टर, आपणे जे अमारू बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में गयु छे हजी सुधी PAA रजिस्टर थयु नथी, अने तो आ क्यारे सुधी रजिस्टर करवानुं हतुं ने हजी कोई कर्युं नथी, तो एना माटे शुं करवुं जोईए? देखो DA रजिस्टर कब करना है इनका क्वेश्चन है। एज सून एज आपका डेवलपर फाइनल होता है आप उसको लेटर ऑफ इंटेंट देते हैं, विद इन 90 डेज नॉर्मली वो DA अपन बनाते हैं नॉर्मली। उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि 100 डे पे आपको या 90वां दिन पे आपको DA साइन करना ही पड़ेगा, ऐसा रूल कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन PA बता रहा हूँ मैं, तो उसी तरह जब DA होता है, DA होने के बाद वेकेट करने के पहले आपका PA होना जरूरी है, इट्स कॉल्ड PAAA, यस, परमानेंट ऑल्टरनेट एकोमोडेशन एग्रीमेंट, PAAA बोलते हैं उसको। ये आपने वेकेट करने के पहले साइन करना ही चाहिए और रजिस्टर भी करना चाहिए, उसके बिगर वेकेट मत करना। आपका जो एक डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, एस वेल समथिंग कॉल्ड PAAA, यस यस, और सर वेकेट करने के पहले, यस यस। और दूसरा एक सवाल है कि हमारा एक दूसरी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में है, और आप जो बोल रहे हैं कि PR कार्ड पे नाम होना चाहिए, पर हमारे ओनर्स की चैनल पूरी मिल नहीं रही है, उसमें कुछ ओनर्स एक्सपायर हो गए हैं तो PR कार्ड नहीं बन रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? अगर कोई ओनर्स एक्सपायर हो गए तो आपको उसको रिकॉर्ड पर लेना पड़ेगा लीगल हेयर्स को। अच्छा, लीगल हेयर को रिकॉर्ड पे लेना पड़ेगा, लीगल है तो लीगल हेयर है तो लेना पड़ेगा, नहीं है तो फिर आपको इंडेमनिटी देना पड़ेगा, देयर आर नो लीगल हेयर्स, ओके, उसका एंड देन उसको आपको रिकॉर्ड पे लेना पड़ेगा डेथ सर्टिफिकेट के साथ। ओके ठीक है, थैंक यू। एक मिनट, ये मैं एक जरा क्वेश्चन भेज दूँ, काफी टाइम से क्वेश्चन लिखा गया, 2 मिनट जरा रुकिए। एक क्वेश्चन लिखा गया है, अवर्स इज अ परागरी बिल्डिंग, ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स, वी आर टेनेंट्स ऑफ 7 शॉप्स एंड 5 फ्लैट्स इन वेस्टर्न सबर्ब्स, वन गुंडा हैज परचेज अवर बिल्डिंग from previous landlord, this landlord is not allowing to repair the building. अच्छा, तो मुझे सबसे पहले तो गुंडा का नाम बताइए, दिल्ली में अमित शाह बैठे होम मिनिस्टर, या तो उत्तर प्रदेश में योगी बैठे वहाँ के मुख्यमंत्री, हम उसको लिस्ट भेज देंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा ऐसा है कि
अगर आपका वो अलाउ नहीं कर रहा है तो हम लोग कोर्ट के थ्रू उसको सिक्योर कर सकते हैं आपको, कंपेलिंग देम फॉर डेवलपमेंट. वी ऑल आर टेनेंट्स अप्लाई टू बीएमसी टू गिव अस द परमिशन अंडर 490 टू रिपेयर द बिल्डिंग अवर सेल्फ. आपने अप्लाई किया गया है, आपको परमिशन मिल सकती है, लेकिन वो नॉर्मल लैंडलॉर्ड का एनओसी मांगते हैं. हाँ तो वो नहीं हो रहा है मतलब. हाँ तो फिर आप कोर्ट में जाके पेटिशन डाल दीजिए, आपको इमीडिएट हाई कोर्ट रिलीफ दे देगा. यू हैव टू मूव टू हाई कोर्ट इमीडिएटली. ठीक है सर. यस, देयर इज अ लैंडलॉर्ड हु नेवर कलेक्ट्स रेंट फ्रॉम अस. इसका आंसर ऐसा है कि जो अगर लैंडलॉर्ड आपसे रेंट नहीं कलेक्ट करता है तो आप स्मॉल कॉजेस कोर्ट बैंड्रा वहाँ पे आप एक पेटिशन फाइल करें, वहाँ पे आप डिपॉजिट कर दो उसके नाम पे कि भाई आप नहीं ले रहे तो हमने कोर्ट में डिपॉजिट कर दिया, ताकि आपका बोनाफाइड इंटेंशन दिख जाएगा. अवर सोसाइटी बिल्डिंग इज वेरी न्यू एट अ प्राइम लोकेशन नियर जू बीच. वी हैव वेरी बिग कंपाउंड लैंड एंड बिग गार्डन इन अवर सोसाइटी. अनफॉर्चुनेटली अवर बिल्डिंग इज एन लीज होल्ड लैंड. अवर बिल्डिंग इज नाउ 6 years ओल्ड. स्टिल देर इज 35 ओल्ड लेफ्ट इन द लीज टर्म टू एक्सपायर. द ओनर ऑफ लैंड इज एक्सपायर्ड विथ 2 sons and 1 daughter. देखो ऐसा है कि अगर कोई एक्सपायर हो गया है तो आप डीम कन्वेंस पे ऐसे भी जा सकते हो, लीगल एयर को रिकॉर्ड पे लेके डीम कन्वेंस विद लीज होल्ड राइट्स, ये प्रोविजन कर आपको कन्वेंस मिल सकता है. ये कंपलसरी आपको मिलने ही वाला है, 100% आपको मिलेगा. उसका डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है आपको बताइए, मैं आपको सोल्यूशन इसका दे दूंगा कैसे करने का. और बिल्डिंग रिक्वायर्स डेवलपमेंट, व्हाट इज द पोजीशन इन द अबव सिनेरियो. आप सबसे पहले कन्वेंस लीजिए लीज होल्ड राइट के साथ, लीगल एयर्स को रिकॉर्ड पे लेके आइए, उनका डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करिए, और उसके बाद आपको लीज ऑल राइट मिलेगा. देन यू स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ डेवलपमेंट. सर पीआर कार्ड पे नाम चढ़ाना पड़ेगा आपको. सर एक क्वेश्चन ऑडियंस से है. वी आर स्टेइंग इन ट्रस्ट बिल्डिंग ऑन रेंट. अर्लियर अवर रेंट रिसिप्ट शोइंग टेनेंट, बट सिंस 3 years नाउ ट्रस्ट इज राइटिंग एलओटी इंस्टेड ऑफ टेनेंट. बिल्डिंग इज 60 years ओल्ड. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम संजय बंसाली. नहीं वो क्या वर्ड यूज करे टेनेंट. हाँ टेनेंट का पहले रिसिप्ट मिलता था और नहीं, अभी एक नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या ये. नहीं नहीं ट्रस्ट की बिल्डिंग है. ट्रस्ट की बिल्डिंग है तो उसको टेनेंट करके कहा जाएगा, बिकॉज जितने भी ट्रस्ट है जहाँ पे लोग रहते हैं उसको अपन पागड़ी वाले ही बोलते हैं. हाँ, तो और वहाँ पे उसको टेनेंट करके उसको डिस्क्राइब करेंगे. अभी 3 साल से उसको एलओटी लिखते हैं वो लोग रसीद. नहीं एलओटी इसलिए बिकॉज रिडेवलपमेंट में जाने वाला है, तो उसने अभी से आपको एलओटी दे दिया विच इज गुड फॉर यू. ओके आपको एलओटी बना दिया उसने आपको, इट्स गुड फॉर यू. संजय आप लीगली स्ट्रॉन्ग, आप लीगली स्ट्रॉन्ग हो गए, आप लीगली स्ट्रॉन्ग हो गए. ओके 60 years ओल्ड बिल्डिंग. या फाइन संजय भाई फाइन. अच्छा एक क्वेश्चन एक और है सीनियर सिटीजन की ओर से. उन्होंने कहा है कि जीएसटी भरना ही पड़ता है क्या. जीएसटी कितना परसेंटेज होता है और फ्लैट के ऊपर पूरे स्क्वायर फीट के ऊपर जीएसटी होता है क्या. नहीं भरेंगे तो क्या होता है. देखिए जीएसटी फ्लैट के ऊपर भरना पड़ता है, नया लॉ है जो परसेंटेज आई थिंक 4 या 5% उसका रेंज है. जो आप रिडेवलपमेंट में जाओगे दो सिचुएशन है. रिडेवलपमेंट वाला जो बिल्डिंग जाता है उसमें भी आपको जीएसटी भरना पड़ता है, लेकिन वो डेवलपर भरता है. आपको उसे नेगोशिएट करना पड़ेगा कि जूने वाले बिल्डिंग का जो रिडेवलपमेंट कर रहा है वो आप उसको बोला आप एब्जॉर्ब कर दो, लेकिन आप एक्स्ट्रा जगह बाय कर रहे हो या आप जगह फ्लैट नया फ्लैट ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको जीएसटी भरना ही पड़ेगा. लेकिन वो है ना डेवलपर बोल रहा है कि अभी ना जीएसटी जो मेरे को भरना पड़ता है वो तो आपको ही देना पड़ेगा, तो ही वो अभी ना कंसल्ट में. ये डिस्प्यूट जो है ये एक्चुअली आपने उसको फाइनल करने के पहले आपने ये इश्यू रिजॉल्व करना चाहिए था, नहीं तो आपने उसको डेवलपर लेने नहीं चाहिए था. नहीं नहीं अभी तक हुआ नहीं है. यानी हाँ. वो तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी वो पहले यही बोल रहे हैं कि भैया हमको इतना मेल लेन नहीं रहा है, जीएसटी हमको भरना है, लेकिन वो हम लोग आपसे ही लेंगे और वो तो उसके बाद में ही हम लोग आपको पोजीशन देंगे. अभी वो है ना कहने का मतलब क्या है कि वो तो 8 से 10 लाख रुपया जीएसटी आता है, नया फ्लैट लिया है और वो है ना भर नहीं सकता है तो अभी क्या करे. और वो अभी ना सोसाइटी वाले बोलते हैं कि हम लोगों का वो है ना मेजोरिटी है. नहीं पर डेवलपर आप क्या करो, डेवलपर के आपके टेंडर 2-3 आए रहेंगे, ऑफर्स आए रहेंगे 2-3 अलग अलग के, जो डेवलपर इसको बेयर करेगा उसको एब्जॉर्ब करो आप, सिंपल है. हाँ लेकिन वो है ना सोसाइटी वाले वो लोग है ना सब लोग एग्री है कि चलो भाई उसमें नहीं मिल रहा है कि अभी ना कैसे भी है तो हमको तो डेवलप करना ही है और वो है ना मेजोरिटी मेरा नहीं है तो क्या करूँ. ये yes, आप देखिए क्या है, आपके 2-3 ऑफर आपके जाए रहेंगे, जो डेवलपर आपको बेस्ट डील देगा उसमें ये आइटम उसको बोलो इंक्लूड करो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, सिंपल. आप ऐसा मत करिए कि डेवलपर पहले फाइनल करो और बाद में जीएसटी का टर्म फाइनल करेंगे, ऐसा मत करो, यू विल एंड अप इन ट्रबल. हाँ वो है ना जीएसटी तो पहले ही वो तो बाकी हम लोगों से ले लेंगे, वो प्री कंडीशन रहो, प्री कंडीशन. अच्छा और वो है ना जीएसटी भरना ही पड़ता है. yes. अच्छा और वो अभी ना जितना वो तो एक्स्ट्रा दे रहा है उसके ऊपर जीएसटी है या वो अभी ना फुल वो अभी ना पूरा प्लेट के ऊपर होता है.
नहीं, वो तो एज पर को उसका आपको लिख के आएगा ऑफिशियली, है वो तो सब उसके अंदर। नहीं नहीं, अगर समझो वो इन्हें 20% ऊपर दे रहा है तो इन्हें 20% ऊपर का ही वो इन्हें जीएसटी आता है या अभी इन्हें पूरा फ्लैट के ऊपर आता है? यस द आंसर इज जो एक्स्ट्रा एरिया उसी का भरना पड़ता है। ओके ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसको 18 ईयर्स हो गया है। हमारा लैंडलॉर्ड भी वही है और बिल्डर भी है। उसका 3000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, उसमें एक बिल्डिंग उसने कंस्ट्रक्ट कर दिया है और दूसरा टेनेंटेड प्रॉपर्टी है। उसने वो अभी तक डिमोलिश C1 कैटेगरी दे के अपना BMC से करवा दिया है। अभी वो हमारा जो टेनेंट ओनरशिप प्रॉपर्टी है ना, वहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि 18 साल हो गया है, सबके फ्लैट में माइनर चेंजेस हो गए हैं, तो वो बोलता है मुझे पेनल्टी भरने को आ रहा है। तो वो पेनल्टी करोड़ रुपीस में आ रही है। तो हमने बोला कि भाई, और हमारा ये हाई कोर्ट में केस भी चल रहा सोसाइटी का, वो केस हम जीत गए हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमने एग्जीक्यूट नहीं किया है। एग्जीक्यूट करेंगे तो उसको बिल्डर को प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए हमने वो केस को एग्जीक्यूट नहीं किया कि भाई चलो हम केस जीत गए हैं। और केस जीतने के बाद में उसको वहाँ पे पर डे 500 रुपया पेनल्टी भी आ रही है उसको, उसका भी हमारा केस चालू है। बट अभी ऐसा है कि अगर आप केस जीते हैं, केस जीतकर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली यू गो फॉर एग्जीक्यूशन, उसको पेनल्टी भी भरेगी। और अगर वो कंटेम्प्ट करेगा कोर्ट का अनादर, यानी जो चीज़ ऑर्डर दिया गया है उसका वो अनादर कर रहा है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग कर सकते हैं। विद इन 90 डेज आदमी जेल में जाएगा। अब वो जेल में जाएगा, मगर हम लोग क्या सोचते हैं कि वो जेल में जाएगा तो प्रॉब्लम दूसरा क्रिएट करेगा, तो वो हिसाब से हम सोसाइटी वाले थोड़े डर रहे हैं कि भाई वो नहीं करना है। अभी वो पेनल्टी के लिए बोल रहा है तो अभी प्रॉब्लम देखिए, या तो आपका राइट एस्टेब्लिश करिए, या तो फिर आप सहानुभूति रखिए बिल्डर के आगे, इसको जेल नहीं भेजना है, इसको अच्छे से रखना है, आरती उतारना है। अच्छा, अभी दूसरी साइड क्या है कि मेरी वही लैंड में दूसरी प्रॉपर्टी है जहाँ पे वो लैंडलॉर्ड में है, यानी वहाँ मेरे 2 फ्लैट्स हैं। अभी वो वहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप कुछ भी करेंगे, अभी वो 2.5 साल हो गया बिल्डिंग डिमोलिश हो गया है, वो करने को कुछ तैयार नहीं है, वो ना रेंट दे रहा है ना कुछ कर रहा है। वो बोला मैं करूँगा, और यहाँ का जो वही लैंड में जो आपको बोल रहा हूँ ना, उसमें ही उसकी जो चल रही है। वो बोलता है मुझे भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, IOD नहीं मिल रही है, प्लान नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है करके वो खींच रहा है। और हमने भी वहाँ पे टेनेंटेड प्रॉपर्टी में आगे कुछ किया नहीं है, क्योंकि हम आगे वहीं भी डर रहे हैं, क्योंकि वो जो खुदला बोल रहा है कि अगर तुम कोर्ट में जाओगे तो मैं बिल्डिंग बनाने वाला रहूँगा तो भी नहीं बनाऊँगा। तो इसके लिए हमको क्या है, नहीं जो ये OC के लिए जो पेनल्टी है, तो पेनल्टी क्या वो जो बिल्डिंग वाले जो हैं उसको ही भरनी पड़ेगी कि वो करेगा? उसको ही भरना पड़ेगा ना, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है सब उसको ही करना पड़ेगा। हाँ, उसको ही करना है, बिल्डर को ही करना है वो। अच्छा ठीक, थैंक यू सर। मेरा नाम रविंद्र शाह है, और प्रॉपर्टी है ना जो, उसमें 30 लाख रुपया प्रॉपर्टी टैक्स भरने का आया है, तो बिल्डर भर नहीं रहा है तो किसको भरना पड़ेगा? हम तो टेनेंट है। उसको ही भरना पड़ेगा। आप लोग इमीडिएटली मैटर मूव करिए कोर्ट में और उसको कंपेल करिए टू पे द कोर्ट। आपको कोर्ट के थ्रू इसको मूव करना पड़ेगा। बिल्डिंग भी पूरा नहीं, नहीं तो क्या, नहीं तो क्या होगा, अटैचमेंट आएगा, अटैचमेंट। हाँ वही बोर्ड लग गया उसका, अटैचमेंट ही आएगा। आप इमीडिएटली उसको कोर्ट में मूव करिए और उसको कोर्ट में खींचिए इमीडिएटली। हेलो, मगर क्या है कि वो बिल्डिंग भी अधूरा ही पड़ा है, अभी बना नहीं रहा है वो। बोला मेरे पास सब चीज के लिए सोल्यूशन बोल रहा हूँ, सब चीज के लिए बोलो। एक आइटम सब चीज के लिए सर, थैंक यू। और अपनी जगह है सिद्धेश्वर विलेज में, तो उधर बिल्डर बना भी नहीं रहा है कुछ, और कुछ करता भी नहीं है, बहुत साल से पड़ा है ऐसे ही, तो क्या करना चाहिए? नहीं, आपको पता है ना मैंने, कि अगर देखो इफ ही इज नॉट मूविंग फर्दर, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए बोलो, रिडेवलपमेंट के लिए बोलो, आप कोर्ट के थ्रू उसको कंपेल कर सकते हैं। कोर्ट के थ्रू ये अलग प्रॉपर्टी है। नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट उसके लिए आप कोर्ट के थ्रू कंपेल कर सकते हैं उसको। कोर्ट में ही जाना पड़ेगा इसके लिए भी, कि बनाओ करके ऐसा। हेलो, तो सर इसमें कितना मेजोरिटी होना चाहिए? प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये, तो मेजोरिटी क्या 51% इज गुड इनफ। 51% ऑफ द टोटल मेंबर्स, माड़ा में या किसी में भी, प्राइवेट नहीं, किसी में भी हम लोग करते हैं। okay, लेकिन टू बी ऑन सेफर साइड 70 तक खींचिए उसको मिनिमम। ओके टू बी ऑन द सेफर, एकदम थिन लाइन मत रखिए। थैंक यू सर। सर मैं जोगेश्वरी वेस्ट से आ रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि लैंडलॉर्ड ने हमको खाली करा चुका है, बिल्डिंग डेमोलिश हो चुका है, अब वो वहाँ पे दूसरे लोगों को ला के किराए पे रख रहा है, तो अब उसके लिए हमको क्या करना चाहिए रीडेवलपमेंट के लिए? नहीं, अगर दूसरे लोगों को कैसे लेके आ सकता है, इमीडिएटली कोर्ट में मूव करो। आप प्लॉट खाली था उसके ऊपर। हाँ समझ गया मैं, तो वहाँ पे और किसी को घुसा के बिठा के रखा है। हाँ, फोटो निकालिए और सीधा कोर्ट में डाल दीजिए मैटर को ये। अच्छा यस, और हम लोग डेवलपर लेके आ रहे हैं तो वो उसको मानता नहीं है ना, वो खुद लेके आ रहे हैं। देखो ऐसा है कि टर्म्स तो उसको भी एग्रीबल होना पड़ेगा ना,
देखो जो टर्म्स बेस्ट है उसके अंदर देखिए आप लेके, और उसको लगता है कि हाँ टर्म्स अच्छे है, ट्राई करिए एक बार। अच्छा सर, दूसरा एक क्वेश्चन है, काजपाड़ा में मेरी फ्लैट है SRA में, 9 साल हो गया अभी तक पजेशन नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? काजपाड़ा में 9 साल हो गए, डेवलपमेंट कर नहीं रहे? नहीं, पागड़ी वाला है या बिल्डर सोसाइटी है? नहीं, पागड़ी वाला ही था, यानी SRA में, SRA में। तो SRA वाले का तो अभी रूल आया ना नया, अगर वो डेवलपर SRA और म्हाड़ा में, आपकी जानकारी लिए बता रहा हूँ मैं, SRA और म्हाड़ा में ऐसा रूल है, अगर डेवलपर को उन्होंने नियुक्त किया गया है प्रोजेक्ट करने के लिए और वो 5 साल तक कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको म्हाड़ा के थ्रू SRA के थ्रू परमिट कर सकते हैं। आप लेटर लिख दिए उसको परमिट हो जाएगा वो नॉन परफॉर्मेंस में। उसके पहले जो डेवलपर था वो बाहर हो गया, अब उसने लोधा को दे दिया। ही विल गेट परमिट फॉर नॉन परफॉर्मेंस थ्रू द गवर्नमेंट ओनली, उसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ेगा। एट प्रेजेंट 79 रूल जो है वो कोई भी सोसाइटी के रीडेवलपमेंट के लिए कंपलसरी है, और एप्रोप्रिएट टेंडर निकाल के और PMC अपॉइंट करके और नोटिस भेज के ही काम करना चाहिए। तो एज पर देखिए 79A प्रोसीजर इज अ डायरेक्टिव, 79A प्रोसीजर इज अ गाइडलाइंस, इट इज नॉट मैंडेटरी। ऐसा जजमेंट आया है 1.5 साल पहले, एक सुंदरनगर गोरेगांव का एक जजमेंट आया हुआ है, तो इट इज नॉट मैंडेटरी बट इट इज अ गाइडलाइन विच नॉर्मली द सोसाइटी इज फॉलो, बिकॉज अ डायरेक्टिव विच बाई विच विल नॉट गेट डिफॉल्टेड।